हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायजोस पॉन्डिचेरी मेंस टी ट्वेंटी की, जो कि मैच हो गया यहाँ से टाइगर इलेवन वर्सेस तस्कर्स इलेवन के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार, कौन सा प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ से ECS T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, साथ ही में यहाँ से बुखाती T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाला है। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में यहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 9:30 पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी CHM ग्राउंड पुडुचेरी में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से न्यूट्रल और बैलेंस है, और यहाँ से विकेट्स वगैरह भी गिरते, इवन रन भी बनते, तो एवरेज सब मिला के यहाँ से 140 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करो तो ये T10 के आंकड़े, जहाँ पर इससे पहले जब T10 खेली गई थी उसके आंकड़े, जहाँ पर 52 मैचेस खेली गई थी, जहाँ पर 26 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, ऐसे 23 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती। लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट की बात करो तो 4 मैचेस हुई है जिसमें से 3 बार चेज करने वाली टीम ने जीती है, सिर्फ एक बार ऐसे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है। तो आंकड़े कभी भी ऐसे उलट पुलट हो सकते हैं। बात करें ऐसे टीम TIG की, तो एक मैच खेली है जहाँ से जीत के आ रही है। ओपनिंग की बात की जाए तो ऐसे M मथावन और ऐसे R रघुपति दोनों ने ओपनिंग किया। देखो मथावन की बात करो तो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, अभी देखो विकेट कीपिंग यहाँ से रघुपति भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए M मथावन विकेट कीपिंग करवाएंगे। और R रघुपति की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर 5 रन किए, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है ऐसे। और यहाँ से T10 के इनके आंकड़े देख सकते हो, T10 यानी कि 10 ओवर की जो मैच होती है ना, जहाँ पर 14 मैच के अंदर करीबन 41 के एवरेज से 452 रन। और यहाँ से T10 टूर्नामेंट की बात करो, पॉन्डिचेरी T10 जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट जिनके रन थे वो थे यहाँ से रघुपति। तो इनके लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पर बिल्कुल मत जाइएगा, प्लेयर्स काफ़ी तगड़ा है यहाँ से। एज अ प्लेयर के साथ आप लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो, तो इनको एज अ प्लेयर तो लेके ही जाना है। इवन बात करें यहाँ से M मथावन की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से स्थिति पिक रहने वाली है, ये थोड़ी सी डिफरेंशियल लेंगी, लेकिन मेरे लिए सेफ पिक रहेंगी। के अरविंद की बात करो तो एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, 13 मैचेस खेले थे जहाँ पर 22 के एवरेज से 287 रन किए थे, तो एक बार फिर से भी मैं हम लोग इनको लेके जाएंगे। या से डिफरेंशियल में बात करें तो ऐसे जे कार्तिकेयन को आप लोग ट्राई कर सकते हो, 14 मैच के अंदर 18 के एवरेज से 141 रन है। देखो इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं, ऐसे रेगुलर बेसिस पर इनका परफॉर्मेंस नहीं रहता, आज 24 रन किए, अगले मैच के अंदर 0 पे भी आउट हो सकते हैं और यहाँ से 30-40 रन भी मार सकते हो, तो इनकंसिस्टेंट है, तो अपने रिस्क पर इनको लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी ऐसे सेवा मुर्गन M हो गए तो इनको लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन यहाँ से पारस रत्ना परखे को जरूर ले सकते हो। अगर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को अगर लेने का हो, यहाँ से जे कार्तिकेयन और यहाँ से पारस रत्ना परखे, तो मैं यहाँ से पारस रत्ना परखे को लेना पसंद करूंगा। हालांकि लास्ट मैच के अंदर उन्होंने ओवर्स नहीं की, लेकिन जब भी ओवर्स करते तब एक आधी विकेट जरूर निकालेंगे, तो ऐसे रत्ना परखे को एज अ डिफरेंशियल आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। बाकी जैकब रिसेंटली आप देख सकते हो 5 मैच खेले जहाँ पर 5 विकेट निकाले, 52 रन किए बैटिंग से, तो रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और इवन एक मैच के अंदर आई थिंक 2 या 3 विकेट भी निकाले, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, इनके पर भरोसा कर सकते हो। एक बार फिर से राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ ऐसे लेग स्पिन गेंदबाजी करता करवाते हुए नजर आएंगे। बाकी शिवा कुमार लास्ट मैच के अंदर 1 ही विकेट निकाले, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे। T10 में भाई साहब ने आखिरी के कुछ मैचेस के अंदर धमाल मचाया हुआ था, तो एक बार फिर से इनके पर भरोसा कर सकते हैं और ऐसे शिवा कुमार सुब्रमण्य हमारी टीम के सदस्य बन सकते हैं। यहाँ से SSY की बात करो तो यहाँ से इनको आज आप एज अ डिफरेंशियल जरूर ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल आप देख सकते हो 10 मैच के अंदर 7 रन है, लेकिन ये भाई साहब बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, 23 के एवरेज से 161 रन किए हुए, तो यहाँ से बैटिंग से भी आप इनसे उम्मीद कर सकते हो। हालांकि इनका टॉप ऑर्डर काफ़ी मजबूत है, तो बैटिंग आना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी किस्मत रही तो यहाँ से वो बैटिंग भी करवा सकते हैं और यहाँ से विकेट वगैरह भी चटका सकते हैं। बाकी R विजय
डेथ वॉस वगैरह में गेंदबाजी के लिए आएगा। तो आज के मैच के लिए भी मैंने बताया था वीडियो के अंदर, लेकिन मैंने लिया नहीं था, वो मेरी गलती थी। लेकिन एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, आप भी के लिए हम लोग इनको लेके जा सकते हैं। और जसवंत की बात करूँ तो इनके मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए भी बोला हुआ था जसवंत के बारे में। तो एक बार फिर से भी आप लोग एज अ प्लेयर भी लेके जा सकते हो, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर्स है यहाँ से, चार वो उसकी गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाले, लेकिन ये भाई साहब भी काफ़ी तगड़ी बैटिंग करवा लेते हैं। इवन इसी टीम की बात करो तो आई थिंक T10 वगैरह में इन्होंने कैप्टनशिप भी की हुई है, तो ये काफ़ी अनुभवी प्लेयर्स है, तो इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करो तो आर विजय और SS Y स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स में दोनों तो आएंगे, लेकिन साथ में इनका साथ निभाएंगे ऐसे शिवा कुमार S। बात करें बेंच की तो बेंच से अगर कोई खेलेगा तो इनके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। देखो इंपॉर्टेंस कौन है, यहाँ से विजय राजाराम अगर खेलते तो सीधे आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए, और एक आर शबरी अगर खेलते तो इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या बोला कि विजय राजाराम खेलते तो ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए। बात करते हैं ऐसे टीम TUS की, तो 2 मैच खेली जहाँ से 1 मैच जीत के आ रही है, 1 मैच अपनी लास्ट मैच बुरी तरह से हार के आ रही है। बात करें ऐसे राघवन रामामूर्ति पहले मैच के अंदर बैटिंग नहीं आई, चौथे 5वें नंबर पर मेंशन थे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर उनको ओपनिंग भेजा गया। हालांकि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, लेकिन अगर ओपनिंग कंटिन्यूसली करवाते हैं तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इनको ओपनिंग करवाने के चक्कर में यहाँ से ये भाई साहब का परफॉर्मेंस खराब कर दिया, यहाँ से आनंद करगावेगा, शायद हो सकता है अगली मैच के अंदर वापस एक बार आपको आनंद करगावे ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी R INR विकेट कीपिंग सेक्शन से सीधी पिक रह सकते हैं। कमलेश्वरन तो एज अ प्लेयर के साथ ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के चॉइस है, तो इनके बारे में तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन आनंद करगावे को आप एज अ डिफरेंशियल भी ट्राई कर सकते हो। अगर ज़्यादातर जनता लेके नहीं जा रही फिर भी आप लोग इनके ऊपर भरोसा करके इनको लेके जा सकते हो। थंडामैन की बात करो तो इनको लेने का कोई खास मतलब बता नहीं, प्लेयर्स तो काफ़ी बढ़िया। देखो मैंने आपको पहले के एक वीडियो के अंदर भी बोला हुआ है, और पहले के दोनों वीडियो के अंदर बताया हुआ है थंडामैन के बारे में, अभी भी बता रहा हूँ कि ये भाई साहब को जब भी मौका मिलेगा यहाँ से ऊपर से खेलेगा 3rd-4th नंबर पर, तो इनकी तरफ से आप लोग यहाँ से मेरी तरफ से 60-70 रन लिख लीजिएगा, जितने रन जरूर मार के देगा आपको अगर ऊपर 1 डाउन वगैरह खेलते हैं तो। बाकी नीचे खेलेंगे ज़्यादातर, जब आएंगे तब दबाव में खेलेंगे तो फिर इनसे कोई ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। बाकी नितिन कुमार ओके ओके पिक रहेंगे, लेकिन यहाँ से सतीश जागीर भी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी इनके ऊपर भी आप भरोसा कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का करना चाहो तो विघ्नेश को आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंशियल वे में। 11 मैच के अंदर 15 विकेट 38 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए T20 में निकाले हुए, तो इनके ऊपर एक बार फिर से आप लोग भरोसा कर सकते हो। बाकी सौरभ यादव, ये भाई साहब ने मेरी 2 मैच के अंदर हालत ख़राब कर दी, ऐसे सौरभ यादव ने डेथ ओवर्स में आके बंदा विकेट निकाल लेता है, अभी तो मैं इनको लेके जाऊंगा। देखो ज़्यादातर ओवर्स नहीं करवाई, पहले मैच के अंदर 3 ओवर्स की गेंदबाजी की, लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी की, लेकिन यहाँ से आखिरी की ओवर बाकी थी, यानी कि 19वीं या 20वीं ओवर्स बाकी थी, तो वो भाई साहब के खाते में आने वाली, तो ऐसे 2 से 3 ओवर्स करते लेकिन विकेट जरूर निकालते, क्योंकि ये भाई साहब आते हैं डेथ ओवर्स में 17 से 20 की जो ओवर्स होती है ना उसमें ये भाई साहब जरूर ओवर के लिए आते हैं और विकेट भी चटकाते, तो एज अ प्लेयर इनको लेके जाएगा। संथा मूर्ति ने लास्ट मैच के अंदर विकेट नहीं निकाली, लेकिन इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। मथन, तो ये तीनों ही बॉलर आई थिंक आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करो तो ऐसे S जागीर भी और विघ्नेश के स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स में ऐसे S यादव और ऐसे M मथन डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बेंच से अगर कोई खेलेगा तो इनके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अपडेट वगैरह आपको सीधी वहां पर मिलने वाली है। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करूँ तो मैं यहाँ से दोनों विकेट कीपर के साथ जाना पसंद करूँगा, अगर यहाँ से किसी को ड्रॉप करना है। देखो ज़्यादातर पब्लिक मथन को लेकर आता है, लेकिन मुझे अगर इन दोनों में से किसी एक को अगर ड्रॉप करने का हुआ तो मैं यहाँ से मथनवान को ही ड्रॉप करूँगा, बाकी R INR डेफिनेटली मेरी टीम के अंदर रहेंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो ऐसे के अरविंद, आनंद करगावे और यहाँ से रघुपति को लिया है, आप एक चेंजेस कर सकते हो, आनंद करगावे की जगह पर यहाँ से कार्तिक गेंद को लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं अभी इन तीनों के साथ जाऊँगा। बाकी बात करें यहाँ से, देखो रघुपति का सिलेक्शन काफ़ी कम है, लेकिन प्लेयर्स के बारे में मैंने पहले वीडियो के अंदर बता दिया तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे कमलेश्वरन, सतीश जागीर भी और ऐसे S कुमार S को लिया है, यहाँ से 2 प्लेयर्स छूट रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, रत्ना परखे और यहाँ से जेकॉब को लेने का मन है, लेकिन यहाँ से उनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की ले रहा है, तो इसके लिए मैंने लिया नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो, विघ्नेश के या फिर यहाँ से जेकॉब, इन दोनों में से किसी को आपको ट्राई करना चाहो तो
कर सकते हो। बाकी बॉलिंग सेक्शन के में यहाँ से जसवंत रहेंगे, विजय रहेंगे और यहाँ से संथामूर्ति रहेंगे। देखो भाई साहब, आप लोग इनको जरूर ट्राई करेगा। इसने मेरी दो मैच खराब की हुई है, क्योंकि आखिरी वक्त पर पूरी मैच के अंदर मैं पहले नंबर पर था यहाँ से चार मेंबर की लीग में, लेकिन आखिरी बॉल पे आखिरी ओवर साग में आके विकेट ले गया और यहाँ से ऐसा कुछ कर दिया पेन। तो दोनों ही मैच के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटवाई है यहाँ से एस यादव के साथ। तो आप अगर चाहें तो ऐसे एस यादव के साथ जा सकते हो। बाकी मथन एम छूट रहे तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, इनकी जगह पर यहाँ से विजय की जगह पर। तो अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रह सकती है। कैप्टन हमारे रहेंगे यहाँ से कमलेश्वरन और वाइस कैप्टन यहाँ से सतीश जागीर बी को किया हुआ है। देखो ज़्यादातर पब्लिक कैप्टन यहाँ से जसवंत को करके आ रही है, वाइस कैप्टन सॉरी। तो इनको ट्राई करना तो इनको कर सकते हो। बाकी मेरी चॉइस मानो तो यहाँ से रघुपति के ऊपर भरोसा कर सकते हो, अय्यनार के ऊपर भरोसा कर सकते हो। ये दो प्लेयर्स को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए कुछ इस तरह से टीम रहेगी। लेकिन याद रहे डेमो टीम में फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है। साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।